मध्य प्रदेश के खरगोन, बैतूल, छिंदवाड़ा और रतलाम जिलों में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में स्थिति नियंत्रण के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आदेश पर भोपाल स्वास्थ्य विभाग के दल उक्त जिलों के लिए रवाना हुए और बैठक लेकर स्थिति का जायजा लिया। इसी कड़ी में आयुक्त संजय गोयल खरगोन पहुंचे और अधिकारियों की बैठक लेकर महामारी की रोकथाम के लिए उच्च निर्देश जारी किए। इस दौरान आयुक्त संजय गोयल ने मीडिया के माध्यम से अपील की है कि मास्क लगाने के अलावा वैक्सीनेशन प्रक्रिया में भी सहभागी बनकर प्रशासन का सहयोग प्रदान करें। साथ ही उन्होंने निजी अस्पतालों में कोरोना इलाज में लूट करने की बात पर दंडात्मक कार्यवाही की बात कही है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। परंतु अगर आप चयन करते हैं तो कोई भी हॉस्पिटल जो उसको इलाज करने में सक्षम है, जिनके पास कंडीशनें नहीं है, वो रख सकता है। उसके नॉर्म्स हैं, उसको नॉर्म पालन करने हैं, जैसा एंट्री एग्जिट को लेके, उसके आइसोलेशन को लेके वो रख सकता है। बट जैसा आपने कहा कि ओवरचार्ज से नहीं कर सकता, और कुल मिलाकर जो केसेस के बारे में मैं स्थिति बताऊँ, मुझे लगता है कि आप सब यहाँ हैं, मीडिया है, आप बात पहुँचा सकते हैं, तो कहीं ना कहीं दो चीज़ स्पष्ट हैं कि जो स्प्रेड को रोकेगी। डेफिनेटली स्वास्थ्य विभाग अगर कोई मरीज को इलाज की आवश्यकता है उसके लिए उनके पास संसाधन, बेड्स जो मैंने समीक्षा में पाया उपलब्ध हैं, परंतु आगे चल के ये ना बढ़े इसमें आप सभी का जैसे पहले सहयोग रहा है, तो मैं आपके माध्यम से यही पब्लिक से अपील करूंगा कि हम मास्क वो या फेस कवर कोई भी चीज़ हम उसका पूरा उपयोग करें। ये बात हमें सभी को स्प्रेड करनी है। दूसरा, वैक्सीनेशन शासन की ओर से वैक्सीनेशन उपलब्ध करवाया जा रहा है, खासकर अब 45 साल के सभी व्यक्तियों के लिए ज़रूरी हो गया, और ख़ासकर वो शहरी पॉकेट जहाँ पर ज़्यादा केसेस हो रहे हैं, जैसा खरगोन है, महेश्वर है, बरवा है, वहाँ लोगों को आगे आके वैक्सीनेशन करवाने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं मैं कम्युनिटी के, समाज से के जो लीडर्स हैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो भी लोगों को आगे लाए, फेस कवर के लिए प्रेरित करें, अनावश्यक गैदरिंग नहीं हो, और साथ में हम वैक्सीनेशन करवाएँ। शासन की ओर से जो मैंने समीक्षा की, जैसा मैंने बताया कि उनके द्वारा व्यवस्थाएं तैयार रखी गई हैं, जो भी मरीज हैं अधिकतर होम आइसोलेशन में हैं, परंतु अगर किसी भी मरीज को कोई भी आवश्यकता होती है उनके पास व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। लॉकडाउन सर भर सकता है, ये निर्णय जो आपकी क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप होता है ये उस पर रखा जाता है, और जो कलेक्टर साहब साथ में यही जनप्रतिनिधि के साथ मीटिंग करते हैं, तो लॉकडाउन के बारे में मैं कोई समीक्षा नहीं दे पाऊँगा। बट मेरा कुल मिला के मानना है कि लॉकडाउन के साथ साथ हमें लॉकडाउन से मोर इम्पोर्टेंट जो मैंने आपको कहा, फेस कवर का कंप्लायंस और वैक्सीनेशन, ठीक है, लॉकडाउन हमेशा के लिए नहीं रखा जाता। अगर हम फेस कवर को जनता तक आप लोगों के माध्यम से हम पहचान बात को पहुंचा पाएँ तो वो ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। सर, टोटल लॉकडाउन के बावजूद शहर में बहुत सारे लोग आज भी घूम रहे हैं, आज बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं, कहीं कोई रोकते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं, उसको लेके आप देखेंगे एसपी साहब भी यहाँ पर हैं और इनके द्वारा इन्फोर्समेंट लगातार बढ़ाया जा रहा है। आपने ऑब्जर्व भी किया होगा, इनका कहना कि अगले एक दो दिन में और स्ट्रिक्टनेस इस चीज़ में आएगी। बट डेफिनेटली मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कई बार कि आप लोगों के माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी थोड़ा जनता में इस काम को, इसकी सूझबूझ को बढ़ाएं कि ये फेस कवर है, ये सिर्फ ना हमारे लिए दूसरे व्यक्ति के लिए भी फायदेमंद। सर, एक मेरा महत्वपूर्ण सवाल है, कई खरगोन में ऐसे निजी अस्पताल है जिनमें कोविड की पात्रता नहीं लेकिन इलाज किया जा रहा है, और महंगा है सर, इसमें इलाज कर देते बाद में मरीज को इंदौर रेफर करना पड़ता है और वहाँ पर मौत हो रही है सर, तो ऐसे अस्पतालों के खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे? अगर कोई ऐसी शिकायत है कि अगर उसको ओवरचार्ज किया जा रहा है तो डेफिनेटली उसकी जाँच करके उस क्लिनिक के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। अगर आप मुझे जानकारी देंगे स्पेसिफिक, तो हम अगर मरीज भी आता है तो इसमें हमने अलाव उतना ही हुआ है कि लगभग जो नॉर्मल उनके चार्जेस थे तो लगभग 30-40% तक अधिकतम वो ले सकते हैं, क्योंकि और खर्चे कोविड के लिए उनको अलग रखना, किट वगैरह, मास्क इत्यादि, ग्लव्स उतना लगता है। बट अगर कोई अनावश्यक ओवरचार्ज कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसे अस्पतालों को सर चिन्हित किया गया है सर क्या कि ये कोविड का इलाज करेंगे अभी तक? कोविड के इलाज के लिए
हमारी ओर से, शासन की ओर से संपूर्ण सुविधाएं शासकीय अस्पतालों में उपलब्ध हैं और बेड भी हमारे पास पर्याप्त उपलब्ध है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।